सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी जो है मुझसे जुड़े हुए हैं और सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आज का ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है अकेला इंसान जैसा थंबनेल कैसे बना सकते हो, उसके जैसा वीडियो कैसे बना सकते हो। गाइस आपने जो है जरूर यूट्यूब पे देखा होगा कि कुछ इस तरीके का अकेला इंसान चैनल है यूट्यूब पे, जो कि बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं और उनका जो चैनल पे जो है काफी ज्यादा व्यू आता है। मतलब काफी कम टाइम के अंदर जो है वो अपना चैनल को काफी ज्यादा ग्रो करवा लिए। तो हो सकता है गाइस अगर आप जो है इस तरीके का वीडियो बनाओगे तो आप जो है यूट्यूब पे जरूर सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। अगर आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा तो गाइस ये चैनल जो है काफी ज्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, बस आपको जो है वॉइस ओवर करना है और आप जो है काफी सारा रुपया जो है YouTube से कमा सकते हो। गाइस आज का ये वीडियो में जो है आप YouTube पे जितने भी कीवर्ड सर्च करते हो कि अकेला इंसान जैसा वीडियो कैसे बनाए, अकेला इंसान जैसा थंबनेल कैसे बनाए, सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं A to Z। बिल्कुल उसके चैनल को देखते हुए मैंने उसका चैनल पे रिसर्च किया और मुझे जो है सारा कुछ नॉलेज है उसके चैनल के बारे में कि क्या क्या आप कैसे बना सकते हो, उसके जैसा थंबनेल कैसे बना सकते हो, उसके जैसा एडिट कैसे कर सकते हो, कैसे वीडियो बना सकते हो, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लाते रहता हूं YouTube से रिलेटेड। तो गाइस आज के ये वीडियो में मैं अकेला इंसान चैनल के बारे में बस दो चीजें बताने वाला हूं कि पहला स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसा वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो और दूसरा स्टेप में मैं बताने वाला हूं कि आप जो उसके जैसा थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहना अगर आप जो है अकेला इंसान जैसा वीडियो बनाना चाहते हो, क्योंकि गाइस इस चैनल का ग्रो तो आप ही देख ही सकते हो लाइव प्रूफ अपने स्क्रीन पे गाइस कितना ज्यादा ग्रो है और कितना ज्यादा जो है व्यू आता है। इसका मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे मैं आपको दिखा दूं तो गाइस आप यहां बगल में देख सकते हो कितना ज्यादा जो है व्यू ला रहा है ये बंदा यूट्यूब पे मेहनत करके। आप भी कुछ इस तरीके का वीडियो बना के काफी ज्यादा जो है अपने चैनल को ग्रो करवा सकते हो। तो गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहना, उससे पहले अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर ही देना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और लेके चलता हूं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन। तो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे। अगर गाइस आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो अपने स्मार्टफोन की मदद से तो गाइस इस वीडियो को जो है स्किप करके कहीं भी मत देखना और पूरा एंड तक देखना। अगर आप आधे वीडियो देखोगे तो फिर आप जो है समझ नहीं पाओगे। तो गाइस ऐसा वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमें तीन चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। एक है बैकग्राउंड, दूसरा है भगवान का पिक्चर्स और तीसरा है कोटेड जो कि आप वीडियो में बोलने वाले हो, जिसको कि हम यहाँ से गूगल से सर्च करके ले लेंगे। तो गाइस अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो तो आपने पिक्सल्स का नाम जरूर सुना होगा। तो गाइस इससे जो है बहुत सारे जो है एनिमेटेड वीडियो यहाँ से मिल जाएंगे, वीडियो क्लिप जो कि वीडियो में यूज होते हैं। तो गाइस अगर आप में डाउनलोड नहीं है तो सिंपली आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ से सिंपली मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ गैलेक्सी। सबसे पहले जो है आपको बैकग्राउंड लेना जिस पर कि आप भगवान जी का फोटो लगाने वाले हों, ताकि जो है और बैकग्राउंड जो लेना है वो है वीडियो का फॉर्मेट में लेना है ताकि वो जो है मूव करते रहे और देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो गाइस ये वाला बैकग्राउंड जो है हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं सिंपली अपने फाइल में। तो गाइस इसको जो आप प्ले करके भी देख सकते हो कि ये कैसा लगता है, लेकिन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपली। तो गाइस इसको डाउनलोड करने के बाद उसके बाद जो आपको जाना है एक PNG लेना है भगवान जी का, जो भी कृष्ण भगवान का एक PNG लेना है इमेज का। याद रहे कि वो फोटो जो है PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो है बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए खुद का। तो गाइस अगर आपको बैकग्राउंड नहीं हटाने आता तो गाइस आप जो गूगल से भी डाउनलोड करके रिमूव BG पे जाके सिंपली अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। सबसे पहले जो है हम यहाँ से अपना ले लेते हैं, जो है हम भगवान जी का पिक लेने के लिए इस पर गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं श्री कृष्ण PNG। तो गाइस जैसे ही आप सर्च करोगे तो बहुत सारे जो है भगवान श्री कृष्ण का PNG इमेज यहाँ पे आ जाएगा, जिसको कि आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम इसको डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। सिंपली आप देख सकते हो ये श्री कृष्ण जी का इमेज है, तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद जो है इसको लेके चलेंगे हम काइन मास्टर के अंदर, जहाँ पर कि मैं आपको दिखाऊँगा एडिटिंग कैसे करना है। तो सिंपली इसको जो है डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ से फिर से होम बटन पे जाना है और यहाँ पे आपको जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो है
तो गाइस हमने जो है इमेज और बैकग्राउंड ले लिया, अब हमें जरूरी पड़ेगा क्वेट्स क्वेट्स का, जो कि हम वीडियो में बोलने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर सर्च करना हिंदी क्वेट्स और आपके सामने जो है बहुत तरह का आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी एक वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है सिंपली उसको कॉपी कर लेना। आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ से लिखा आ रहा है, बहुत सारे जो है क्वेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर कोई भी जो भी पसंद आए आप एक बार पढ़ लेना, और जो भी आपको पसंद आए तो आप उसको कॉपी कर लेना। सिंपली यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। तो गाइस इसको जो है सेव करके थोड़ा सा रखने के लिए, अगर आप वीडियो में जो है लिपसिंग करोगे, जब भी आप वॉइस ओवर करोगे, तो गाइस उस पर जो है आप जो है किसी चीज़ में आप यहाँ से रख सकते हो, जैसे कि आपका फ़ोन का नोट्स होगा तो उसमें आप सेव करके सिंपली यहाँ से रख सकते हो। तो गाइस चलिए मैं आपको जो है मैसेंजर व्हाट्सअप कोई भी चीज़ में आप किसी को भेज के रख सकते हो, टेलीग्राम या कुछ भी में। तो चलिए मैं तो गाइस यहाँ पर जो है मैं सेव करने के लिए रखने के लिए तब तक यहाँ पर भेज देता हूँ, यहाँ तब तक कि जब तक ये वीडियो मैं एडिट नहीं करता। गाइस हम आ चुके हैं काइन मास्टर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको सभी चीज़ें डाउनलोड करके दिखा ही दिया पहले। तो गाइस अब चलते हैं एडिटिंग के बारे में, तो हम एडिटिंग करते हैं। सबसे पहले जो है आपको यहाँ से जो वीडियो मैंने डाउनलोड करवाया था पहले गैलेक्सी वाला, उसको यहाँ से ऐड करना है। चलिए इसको हम प्ले करके देखते हैं ये कैसा है। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह का वीडियो है, और इसको जो है आपको सिंपली यहाँ पेन एंड जूम करके जो है फुल स्क्रीन पे ऐसे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इसको है जितना लंबा आपको वीडियो बनाना है सिंपली इसको जो है उतना लंबा यहाँ से फैला लेना है। यहाँ से आपको जो है इसका डुप्लीकेट निकाल लेना है। तो गाइस आप जितना लंबा वीडियो बनाओगे सिंपली इसका जो है डुप्लीकेट निकालते रहना, ताकि ये जो है आगे तक इसका लेयर बढ़ सके। तो सबसे पहले जो है हम लेयर पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से जो है हम PNG वाला इमेज ले लेते हैं जिसको हमने डाउनलोड किया था। यहाँ से डाउनलोड पर चलते हैं और यहाँ से इमेज ले लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इमेज हमने पहले डाउनलोड करवाया था आपसे, तो इस तरह इमेज आप डाउनलोड कर लेना। इसको भी पूरा वीडियो तक जितना वीडियो आप बनाना चाहते हो, जितना मिनट का, मैं यहाँ से जो आपको कम ही मिनट का वीडियो एडिटिंग करके बताऊंगा, आपको जितना भी करना है इसको आपको फैलाते जाना है। जितना आपका ऊपर वाला लेयर फैलेगा उतना ही नीचे वाला भी फैलेगा। तो गाइस यहाँ से चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा लगता है। तो गाइस देख सकते हो कि कितना मस्त का हमारा वीडियो लग रहा है अभी से ही, जबकि हमने पूरा एडिटिंग भी नहीं किया है। तो गाइस इसमें जो है मैंने आपको पहले ही एक चीज़ क्वेट्स को यहाँ से डाउनलोड करवाया था गूगल से, जिसको कि आपको यहाँ पे लेना और यहाँ पे वॉइस ओवर करना है। तो गाइस इसमें जो है ज़्यादा कुछ है नहीं एडिटिंग करने के लिए, सिर्फ इसमें जो है वॉइस ओवर आपको करना है और आपको जो है ऑडियो के एडिटिंग करना है। तो गाइस मैं आगे आपको बताऊँगा कि आपको जो है ऑडियो के एडिटिंग कैसे करना है, अपना ऑडियो को क्रिस्प कैसे बनाना है। तो गाइस आपने जो है यहाँ से ऐसे करके आपको सिंपली कुछ इस तरह का कर लेना है, और वॉइस ओवर करने के लिए जो कि हमने पहले लाइनें को यहाँ से टेलीग्राम में भेज कर रखा था, तो चलिए उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। गाइस हमारा जो ये लाइन था जिसको हमने कॉपी किया था, तो आपको जो है बहुत सारी लाइनें ऐसे कॉपी करना है अगर आपको लॉन्ग वीडियो बनाना है। तो गाइस इसको जो है आप मैं बताऊँगा कि इसको आपको वॉइस ओवर कैसे करना है और लिपसिंग कैसे करना है, ताकि आपका जो ऑडियो है उसका भी एडिटिंग मैं साथ ही बता दूंगा और आपका ऑडियो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और मज़ेदार बन जाएगा। तो गाइस आपको जो है ऑडियो एडिटिंग करने के लिए आपको एक सिंपली एक ऐप का जरूरत पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब में काम कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि लेक्सिक्स ऑडियो एडिटर नाम का एक एप्लीकेशन है जिससे कि ऑडियो एडिट किया जाता है। सो सिंपली इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ से अपना लाइन जो रहेगा सिंपली आप रेड कलर का यहाँ पे बुंदा देख सकते हो, डॉट देख सकते हो, इस पर क्लिक करके जो है आपको अपना लाइन को यहाँ से ऐड कर लेना है। जो भी लाइन आप वीडियो में वॉइस ओवर करने वाले हो उसी लाइन को यहाँ से सिंपली रिकॉर्डिंग कर लेना है, और यहाँ से एडिटिंग करना है। मैं आपको बताता हूँ कि एडिटिंग कैसे करना। सिंपली जो है आपको यहाँ पे कलर या रेड कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो है मैं अपना ऑडियो जो है रिकॉर्ड कर तो गैस ये लाइन जो है आपको दबा देना, और हमारा जो ऑडियो है ये आ चुका है। तो गैस ऑडियो जब भी आ गए ऑडियो आ जाएगा आपका, तो सिंपली आपको करना क्या है, ये ऊपर में यहाँ पे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले जो है आपको इफेक्ट में जाना है, और इफेक्ट में जाने के बाद जो है आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है नॉइस रिडक्शन। अगर आपके अगल बगल से कोई भी शोर शराबा या शोरगुल का आवाज़ आता होगा तो वो जो है कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से इफेक्ट में जाना है, और यहाँ से आपको इफेक्ट में जाने के बाद जो है आपको यहाँ से आपको यहाँ पे इक्वलाइजर और एम्पलीफायर का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस ये वाला जो आप देख रहे हो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, इसको पूरा फुल कर देना, और थोड़ा सा नीचे करना है दूसरा वाला ऑप्शन, और इधर का भी फुल कर देना। इससे आपका जो ऑडियो है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त बन जाएगा, और इसको जो है अप्लाई कर देना। इससे अप्लाई करने के बाद जो आपको यहाँ पे सेव का ऊपर में आइकॉन दिख रहा है। तो गाइस अगर आपको डिटेल में चाहिए कि कैसे ऑडियो को एडिट किया जाता है, तो कॉमेंट में बताना, मैं जो है डिटेल में वीडियो बना दूंगा। मैं ऐसे
जो मेन टॉपिक है वो मैंने सिर्फ इसमें बता दिया, जिससे कि आपका आवाज़ और भी बेस्ट बन जाएगा। और यहाँ से आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो है आपको यहाँ से सेव करने के बाद आपको फिर से काइन मास्टर में जाना है, और मैं लेके चलता हूँ आपको काइन मास्टर के अंदर, और वहाँ पर मैं बताता हूँ वॉइस ओवर को कैसे मैच करना है। तो गाइस हम आ चुके हैं फिर से वो उसी वीडियो पे जिसको मैं एडिट कर रहा था पहले। तो गाइस इसमें जो है आप ऑडियो देना है। गाइस इस तरह का वीडियो में जो है ऑडियो का सबसे ज़्यादा वैल्यू है। आपका वीडियो कैसा रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपका ऑडियो जो है वो मस्त रहना चाहिए और लोगों को अच्छा लगना चाहिए। अगर आपका वॉइस अच्छा नहीं है तो फिर भी आप जो है एडिट करके बहुत ही अच्छा वॉइस दे सकते हो। अगर आपको एडिट करना नहीं आता तो कॉमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं उस पर जो है बहुत ही अच्छा वीडियो बना दूंगा, फुल वीडियो, और आप जो है ऑडियो एडिट करना सीख जाओगे। तो गाइस इस पे जो है मैंने जो भी फाइल वहाँ पे सेव किया था लेक्सिस ऑडियो एडिटर से, सिंपली उसको जो है यहाँ से ऐड करना है। तो गाइस चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ, मेरा ये वाला फाइल है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। और ऐड करने के बाद जो है कुछ इस तरह का आ गया। तो गाइस हमारा जो लाइन है कुछ इस तरीके का है और यहाँ तक ही है। अगर आपका लाइन बड़ा है और लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हो इसी तरीका को फॉलो करके आप लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हो। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हमारा जो है सिर्फ इस पर आपको क्लिक करना, जो भी वॉइस आप ऐड करोगे, और मिक्सर पे जाना, इसको फुल कर देना और इसको जो है ऑटो कर देना। तो गाइस हमारा जो वीडियो है वो लगभग बन के तैयार हो चुका है। सिर्फ इसमें जो है एक ही चीज़ का कमी है और वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। तो चलिए हम बैकग्राउंड म्यूजिक लेते हैं और अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लेके इसमें जो है ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा वीडियो जो है और भी ज़्यादा अच्छा लगे और सुनने में भी काफ़ी मस्त लगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जाना है यूट्यूब पे, और वहाँ पर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आपको लेना है। तो गाइस चलिए हम लेते हैं। गाइस हम आ चुके हैं यूट्यूब पे, और आपको म्यूजिक लेने के लिए सिंपली यहां पे सर्च करना है लॉर्ड कृष्ण फ्लूट म्यूजिक। तो गाइस आपको जो है बांसुरी वाला म्यूजिक मिल जाएगा श्री कृष्ण का, जो कि कॉपीराइट फ्री है, और उसको जो है सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हो बहुत सारा म्यूजिक है, आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ पे एडिट पे, और वहाँ पे इसको जो है लगाते हैं म्यूजिक को। हमारा म्यूजिक जो है सिंपली डाउनलोड हो चुका है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे। तो गाइस इसको जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो गाइस हमारा म्यूजिक जो है वो ऐड हो चुका है, और हमारा वीडियो भी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को प्यारा सा लाइक भी कर देना। तो गाइस अगर आपको जो है थंबनेल बनाना नहीं आता है तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अकेला इंसान जैसा थंबनेल आप कैसे बना सकते हो इस वीडियो के अंदर। तो गाइस आपको अगर थंबनेल बनाना नहीं आता तो आपको तो सीखना पड़ेगा। मैंने जो है अपना चैनल पर थंबनेल बनाने का जो है आइडिया वाला वीडियो डाल दिया, सिंपली आप जो है वहां से देख लेना। अगर आपको जो है अकेला इंसान जैसा थंबनेल चाहिए या फिर यूट्यूब पे किसी का भी थंबनेल आपको चाहिए, तो गाइस आपको जो है मैं एक ट्रिक बता देता हूँ थंबनेल डाउनलोड करने का। तो गाइस उस तरीका से आप जो है किसी का भी थंबनेल जो है डाउनलोड कर पाओगे और अपने वीडियो पे यूज कर पाओगे। तो गाइस मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने जो है यूट्यूब पे अकेला इंसान यहाँ पे सर्च किया और इसका वीडियो जो है यहाँ पे आ चुका है। गाइस मैं आपको ये वाला थंबनेल डाउनलोड करके यहाँ से दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको 3 डॉट पे जाना है और शेयर पे क्लिक करके इसका लिंक को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। जो भी लिंक रहेगा इसका वीडियो का, अकेला इंसान का जो भी वीडियो रहेगा उसका लिंक रहेगा, तो उसको जो है सिंपली कॉपी कर लेना है। और आपको जो है यूट्यूब पे सर्च करना है थंबनेल डाउनलोडर। तो गाइस मैंने जो है यहाँ से सर्च करके रखा है और यहाँ से सेव करके भी रखा है वेबसाइट को। तो गाइस मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि आपको जो है सिंपली इसका थंबनेल कैसे डाउनलोड करना है। गाइस आपने जो है लिंक को जो भी लिंक कॉपी किया होगा सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे गेट थंबनेल पे आपको क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हो उनका जो थंबनेल है वो सिंपली आ चुका है, और आपको करना क्या इस पर क्लिक करके रखना, और यहाँ से डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ गया, और यहाँ सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस आपने जो है कुछ ऐसा ही आपको डाउनलोड करना है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा गैलरी के अंदर भी आ चुका है। मैं आपको एक बार गैलरी खोल के अपना दिखा देता हूँ कि हमारा जो थंबनेल है वो सिंपली यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो थंबनेल था वो सिंपली डाउनलोड हो चुका है। तो गाइस आप जो है कुछ इस तरीके का यूज करके उसका थंबनेल को डाउनलोड कर सकते हो, और आप जो है किसी का भी थंबनेल डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइस आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने जो है वीडियो जो एडिट किया था वो आप सिंपली यहाँ से देख लो। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समय है आपका वर्तमान। अगर एक बार आपका वर्तमान चले जाए तो आप जो है लाखों संपत्ति देके भी उसे वापस नहीं पा सकते।